फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ बेनिफिट्स एंड डीआईवाई रेसिपीज बाय सोनाली को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूं घर पर आप कढ़ाई में बेकरी स्टाइल लाडी पाव कैसे बना सकते हैं। आज हम लाडी पाव की इस रेसिपी को बिना ओवन के बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके लाडी पाव बनाएंगे तो आपके भी जो पाव है वो बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल बेकरी जैसे बनेंगे। आप इन पाव को भाजी के साथ और ऐसे ही बटर से सेक के चाय के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए कढ़ाई में बनाते हैं बेकरी जैसे लाडी पाव। तो पाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक्टिव ड्राई ईस्ट, इस तरह से, ये आसानी से ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वैसे ये मार्केट में भी मिल जाता है। इसकी मैं 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। इस ईस्ट को आपको दूध के साथ भिगो के रखने की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट ही आटे में डालकर फूल जाता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चीनी और 2 पिंच नमक, और मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। आप इसकी जगह पे बटर भी डाल सकते हैं, इससे जो आपके पाव हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर गुनगुना दूध ले लिया है, ये आधा कप मैंने गुनगुना दूध ले लिया है। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर सारी चीजों को कम्बाइन करके इसका एक डो बना लेंगे। इसका जो डो होना चाहिए वो एकदम लूज होना चाहिए, बिल्कुल भी ये टाइट नहीं होना चाहिए। ये जितना लूज होगा उतना ही जो आपके पाव हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं ये आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, हाथों में चिपक रहा है, तो इसी तरीके का आटा होना चाहिए। अब हमें इस आटे को बहुत अच्छे से मसलना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक रोलिंग शीट ले ली है। आप कोई भी चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं या आप सिंपल अपने किचन टॉप को साफ करके उस पर भी ये काम कर सकते हैं। अब मैंने आटे को इसमें डाल दिया है। अब हम इस आटे को बहुत ही अच्छे से नीट करेंगे। शुरू में ये आपके हाथों में चिपकेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पटक पटक कर मसलने लगेंगे वैसे वैसे ये चिकना होता जाएगा और आपके हाथों से अलग होने लगेगा। आप इसमें 2-3 बूंद ऑयल की डालकर भी इसको मसल सकते हैं, इससे जो ये आटा चिपक रहा है आपके हाथ में वो आसानी से निकलता जाएगा और जो आपका आटा है वो और जल्दी चिकना भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको 10 से 15 मिनट आटे को मसलना है अच्छे से। यहाँ पर मैंने कुछ बूंदे ऑयल की डाली हैं और अब इसे फिर से मसलना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा आटा बहुत चिकना हो गया है और अब ये हाथों में चिपक भी नहीं रहा है। इसको मसलते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। इस तरीके का सॉफ्ट आटा हमको तैयार करना है। पाव बनाने के लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपका जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और उसे आपको मसल मसल कर एकदम चिकना कर लेना है और बहुत ही अच्छे से इसमें खिंचाव आ जाना चाहिए आटे में। तो अब हमारा आटा तैयार है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालकर आटे को पीछे की तरफ टक करके हम फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। इसे हम एक गीले कपड़े से ढककर 1 से 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तो अब 1.5 घंटे बाद मैंने आटे को देखा है, देखिए कितना फूल गया है। इसे हम एक बार पंच मारेंगे और एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे। देखिए ये कितना चिकना है, कितना सॉफ्ट हो गया है आटा। तो अब मैंने फिर से रोलिंग शीट ले ली है, इसको मैं लंबाई में गोल गोल घुमा लूंगी और अब इसको बराबर के पीसेस में काट लेंगे। मैं यहाँ पे कटर का यूज कर रही हूँ, आप नाइफ से भी काट सकते हैं। तो 6 इक्वल पोर्शंस में मैंने आटे को डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा लेकर इसमें लपेटते हुए इसको गोल आकार देंगे। सूखे मैदे से ये जो आटा है वो आपके हाथ में चिपकेगा नहीं और आसानी से गोल आकार ले लेगा। तो सारी बॉल्स को इसी तरह से गोल आकार देकर चिकना कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है, ये चौकोर टिन है, इसमें आराम से जो हमारे पाव हैं वो बन जाते हैं और इसमें अच्छी शेप आ जाती है। तो इसको मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ
आपको चारों कोनों से अच्छे से ग्रीस करना है, जिससे जो पाव हैं वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। आप इसकी जगह पर गोल्ड टिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक एक बॉल लेकर इसमें सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स को सेट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और ब्रश से ऊपर से हम दूध को लगा देंगे। दूध में आप 1 टीस्पून चीनी मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स करके उस दूध को आप इन पाव के ऊपर लगाइएगा। इससे क्या होगा, जो आपके पाव के ऊपर की लेयर है वो एकदम ब्राउन हो जाएगी, जो कि बिना ओवन के नहीं होती है ज्यादातर। तो अब मैं फिर से इसे गीले कपड़े से ढककर 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी। अब आप देख सकते हैं ये साइज में डबल हो चुके हैं। अब हम फिर से इनके ऊपर ब्रश से दूध लगाएंगे, जिससे जो इनके ऊपर की लेयर है वो बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो जाएगी। तो अब ये बेक होने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके नीचे मैंने नमक बिछा दिया है, जो खाने वाला नमक होता है। आप इसकी जगह पर रेत भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने छोटा सा स्टैंड रख दिया है। अब आप इसके ऊपर किसी प्लेट से जो इसके साइज की हो या फिर कोई परात ले लीजिए, उसको उल्टा करके ढक दीजिए और इसे हाई हीट पर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने दीजिए। अब 10 मिनट बाद ढक्कन हटाकर अपना जो पाव का टिन है वो इसमें रख दीजिए। आप सावधानी से इसे रखिएगा क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होती है। अब आपको गैस को मीडियम कर देना है और लो से मीडियम गैस पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए बेक करना है। 15 मिनट बाद मैंने इन्हें चेक किया है तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से बेक हो गए हैं और इनके ऊपर ब्राउन कलर भी आ गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और टिन को बाहर निकाल के इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आपको कभी भी केक को या पाव को या ब्रेड को गरम गरम में अनमोल्ड नहीं करना होता है, नहीं तो वो टूट जाती है। तो इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, फिर इसे अनमोल्ड करेंगे। तो अब देखिए ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। इसके ऊपर हम ब्रश से बटर को लगा देंगे, जिससे ये थोड़े से शाइनी दिखेंगे आपको, जैसे बेकरी में मिलते हैं। और बटर को लगाने के बाद इसको फिर से गीले कपड़े से ढककर हम ठंडा होने देंगे। अब हम इसे ट्रे से निकाल लेंगे। अब ये ठंडे हो चुके हैं तो एजेस को नाइफ से अलग करके इसको बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पाव बाहर निकल आए हैं और बहुत ही अच्छे पाव बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको अलग करके भी दिखाती हूँ। इन्हें मैंने वायर रैक पे रख लिया है। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं अंदर से, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं अंदर से और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, पर ऊपर से इनका कलर भी बिल्कुल बेकरी जैसे आया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितना आसान है कढ़ाई में बेकरी स्टाइल लाड़ी पाव बनाना। अब आप बिना ओवन के कभी भी इन पाव को बनाकर पाव भाजी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपके पास ईस्ट ना हो तो ईस्ट आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आप बिना ईस्ट की पाव की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूंगी जिसमें आप खमीर के बिना कढ़ाई में लाड़ी पाव बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए वीडियोस को क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुँच जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।